वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन नरमियाँ खत्म करने के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। वफाकी काबीना मुल्की और मआशी सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी। वफाकी काबीना लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना जो है वो कल लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी और इस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रा सा जो पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो कल की जो सूरत हाल है कि कल काबीना के इजलास से जो मुल्की माशी और जो सियासी सूरत हाल पर गौर होगा और इसके साथ काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ का जायजा लेगी। काबीना छोटे जो कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर बात करेगी और इसके साथ साथ जो पांच नुकाती एजेंडा है उस पर भी जो है मशावरत होगी। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और काबीना वापदा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी भी देगी। जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी काबीना मुल्की और मआशी सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी। वफाकी काबीना लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना जो है वो कल लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी और इस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रा सा जो पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो कल की जो सूरत हाल है कि कल काबीना के इजलास से जो मुल्की माशी और जो सियासी सूरत हाल पर गौर होगा और इसके साथ काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ का जायजा लेगी। काबीना छोटे जो कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर बात करेगी और इसके साथ साथ जो पांच नुकाती एजेंडा है उस पर भी जो है मशावरत होगी। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और काबीना वापदा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी भी देगी। जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी काबीना मुल्की और मआशी सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी। वफाकी काबीना लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना जो है वो कल लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी और इस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रा सा जो पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो कल की जो सूरत हाल है कि कल काबीना के इजलास से जो मुल्की माशी और जो सियासी सूरत हाल पर गौर होगा और इसके साथ काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ का जायजा लेगी। काबीना छोटे जो कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर बात करेगी और इसके साथ साथ जो पांच नुकाती एजेंडा है उस पर भी जो है मशावरत होगी। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और काबीना वापदा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी भी देगी। जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। वफाकी काबीना मुल्की और मआशी सियासी सूरत हाल पर गौर करेगी। वफाकी काबीना लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना जो है वो कल लॉकडाउन में नरमी या खत्म करने पर हतमी मुशावरत करेगी और इस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़रा सा जो पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ जो कल की जो सूरत हाल है कि कल काबीना के इजलास से जो मुल्की माशी और जो सियासी सूरत हाल पर गौर होगा और इसके साथ काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ का जायजा लेगी। काबीना छोटे जो कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत पर बात करेगी और इसके साथ साथ जो पांच नुकाती एजेंडा है उस पर भी जो है मशावरत होगी। काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और काबीना वापदा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी भी देगी। जी अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए।